तक मैं जीजी के एहसानों पे जीती रहूंगी। अब वक्त आ गया है जब मुझे आगे बढ़ के अपनी किस्मत खुद सवारनी होगी। पीछे आपका हाथ कैसे जाएगा, मैं दवा लगा देती हूँ। तू रहने दे, लगा लूंगा मैं। अच्छा ठीक है, आपको दवा ना लगवानी मेरे हाथ से, मत लगवाइए। मेरे हाथ का काढ़ा तो पी लेंगे, थोड़ा कड़वा जरूर है पर बहुत राहत मिलेगी दर्द में आपको। लीजिए, और इससे नींद भी बहुत अच्छी आवेगी आपको। मैं पी लूंगा, तो जा। रामलाल, चीजो सा, रामलाल, हे भगवान, इतने जिद्दी है ना आप, एक बात नहीं सुनते मारी। पूर्णिमा जी, पूर्णिमा जी, आप आ गए। सोचो कि जो इस सरिये की जगह हमारे इन हाथों में तुम दोनों की गर्दन होती तो क्या होता। धमकी दे रहा है? ना ना, धमकी ना, नियम समझा रहा हूं थारे को। जो वार करोगी तो जवाब भी जरूर मिलेगा। तूने तो खुली चुनौती दी थी ना सड़क बनाने की, अब क्या मैंने तेरी खुली चुनौती स्वीकार कर ली? तेरे फाइल के चितड़े उड़ा दिए, हमारी बसाई दुनिया उजाड़ ले। अब बोल। और वैसे भी तेरी बीवी को चोट पहुंचाने का कोई इरादा ना था मना। कनक की तो किस्मत खराब है कि वो तेरी बीवी है, गेहूं के साथ घुन की तरफ पिस गई। लेकिन अब अगर तू ना रुका ना तो कनक के साथ के हो सकता है, मैं बता भी ना सकती। हंस क्यों रहा है, सटिया गया है या सदमे में आ गया है? पता है चकोरी मासा, दिया जब उजड़े वाला होता ना तो और जोर जोर की फड़फड़ाता है। आपका समय भी पूरा होने वाला है। हाँ, और रही बात आपने जो आज किया उसकी, तो
तो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि अब आपने ये अंदाजा बिना है कि बदले में शिवा आप पे कितना भारी पड़ने वाला है। आपकी एक एक गलती, एक एक चूक, शिवा जो आप पर एक एक करके वार करेगा ना, बचड़ा पाओगे। बोल के गया है, बहुत जल्द पता चल जाएगा।